यूट्यूब चैनल इल्मिया सासा पर आप दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है कि सरकारी अलाउंस में 10,000 रुपये तक का इजाफा। खबर की मुकम्मल तफसील जानिएगा कि किन मुलाजमीन के लिए अलाउंस में इजाफा किया गया है और कौन सी सहूलियात का ऐलान किया गया है। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्मिया सासा के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे और भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो चलते हैं खबर की तफसील की जानिब। की तफसील के मुताबिक रेस्क्यू मुलाजमीन की रिटायरमेंट मुद्दत 60 साल करने पर गौर। पुलिस की तर्ज पर 10,000 तक रिस्क अलाउंस भी दिया जाएगा, मंजूरी काबीना देगी। KP की हुकूमत ने रेस्क्यू 1122 की मुलाजमीन के रिटायरमेंट की उम्र 50 साल से बढ़ाकर दूसरे सरकारी मुलाजमीन की तरह 60 साल करने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में समरी तैयार कर ली गई है जिसकी हतमी मंजूरी जो है सूबाई काबीना के इजलास में दी जाएगी। जबकि रेस्क्यू 1122 के मुलाजमीन को भी पुलिस की तर्ज पर 2,000 से 10,000 रुपये तक रिस्क अलाउंस भी देने का फैसला किया जाएगा जिसकी मंजूरी भी सूबाई काबीना के इजलास में दी जाएगी। वाज़ह रहे कि रेस्क्यू 1122 के मुलाजमीन की रिटायरमेंट के हवाले से पॉलिसी तब्दील करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में तैयारी कर ली गई है जिसके तहत मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 50 से 60 साल करने के बारे में महकमा कानून की मंजूरी के साथ फैसला किया जाएगा। इसके साथ साथ मुलाजमीन को रिस्क अलाउंस भी दिया जाएगा। महकमा खजाना से रब्ता कायम कर दिया गया है और इस तजवीज़ पर अमल दरामद के सिलसिले में उठने वाले अखराज के बारे में भी रिपोर्ट तलब की गई है। महकमा खजाना और महकमा कानून की जानिब से राय देने के बाद इसको सूबाई काबीना में पेश किया जाएगा। ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट के रेस्क्यू मुलाजमीन की रिटायरमेंट मुद्दत में 10 साल का इजाफा और पुलिस तर्ज पर उन्हें 10,000 रुपये का रिस्क अलाउंस भी देने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोज़ के लगातार नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँचते रहें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।